वर्सेस हाइना इस टाइटल को बहुत से लोग सर्च करते हैं यूट्यूब और गूगल पर। लोग जानना चाहते हैं कि लॉयन और हाइना यानी शेर और लकड़बग्घे में ज़्यादा ताकतवर और सातिर कौन है, क्या होगा अगर ये दोनों जानवर लड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर पहली बार आए हैं तो आपको ये चैनल एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इस चैनल पर आपको जानवरों और हमारी खूबसूरत पृथ्वी के बारे में आश्चर्य में डाल देने वाले रोचक तथ्य, जानकारियाँ और आपका मनोरंजन करने वाली वीडियोस मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि ये आपका कोई नुकसान तो करेगा नहीं, तो प्लीज़ इसे दबा दो। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर। शेर और लकड़बग्घा ये दोनों जानवर अफ्रीका के दो महान शिकारी है, और दोनों ही जानवर अपनी अपनी अलग अलग खूबियों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोनों ही जानवर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। शेरों के बहुत से बच्चे लकड़बग्घों द्वारा मार दिए जाते हैं, और शेरों द्वारा लकड़बग्घों के बच्चे भी मार दिए जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से बदला लेते हैं। अफ्रीका में इन दोनों जानवरों में लड़ाइयाँ बहुत आम हैं, और अधिकतर लड़ाइयाँ खाने को लेकर होती है। अगर शिकार शेर करता है तो थोड़ी देर बाद वो शिकार लकड़बग्घों के झुंड द्वारा छीन लिया जाता है, और अगर शिकार लकड़बग्घों द्वारा किया जाता है तो शेर वो शिकार इनसे नहीं छीनता, क्योंकि जब तक शेर को पता चलता है कि लकड़बग्घों द्वारा शिकार किया गया है तब तक तो लकड़बग्घे शिकार को पूरी तरह से चट कर चुके होते हैं। एक बड़े विल्डरबीस्ट या एक जेब्रा को पूरी तरह से चट करने में लकड़बग्घे लगभग 20 मिनट से भी कम समय लेते हैं। लकड़बग्घे वो जानवर है जो बाल और हड्डियों तक को भी पचा जाते हैं, और वैसे भी शेर दूसरों के किए गए शिकार को नहीं खाते। वो ऐसा तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। एक स्पॉटेड हाइना का बाइट फोर्स 1100 PSI का होता है, जबकि लायन का बाइट फोर्स सिर्फ 650 PSI का। शेर के दौड़ने की रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर पर घंटे की होती है, जबकि हाइना 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एक जवान शेर का वजन एक जवान हाइना से लगभग दुगना होता है, और हाइना शेर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हाइना के एक ग्रुप में लगभग 80 हाइनास तक होते हैं, जबकि शेरों के एक ग्रुप में 2 से लेकर 40 शेर तक होते हैं। लेकिन जब बात इन दोनों जानवरों के आपस में लड़ने की होती है तो इसमें इन दोनों जानवरों पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइना भी बहुत ताकतवर जानवर है, लेकिन शेर एक बिल्ली है, और बिल्लियाँ दुनिया की सबसे माहिर शिकारी होती है। जैसे बिल्लियाँ शिकार करती है वैसे इस दुनिया में कोई भी जानवर नहीं कर सकता। बिल्लियाँ बचपन से शिकार करना सीखती है, और वो जब तक सीखती रहती है तब तक मर ना जाए। मतलब बिल्लियाँ अपनी पूरी ज़िंदगी भर शिकार करना सीखती है। ये अपने शिकार करने की रणनीति को कुछ ही सेकंडों में बदल सकती है, और इसी वजह से शेर हाइना को आसानी से हरा सकते हैं। वैसे हाइनास को पता होता है कि वो शेर से जीत नहीं सकते, इसलिए एक दो हाइनास तो शेरों पर कभी हमले नहीं करते। लेकिन शेर अगर अकेला है और हाइना का एक झुंड उससे भिड़ जाए तो फिर शेर की मौत पक्की हो जाती है। एक जवान शेर को 15 हाइना मिलकर आसानी से मार सकते हैं, लेकिन अगर गलती से शेर के एक पंजे का वार हाइना पर पड़ जाए तो हाइना की उसी वक्त मौत हो सकती है। और रही बात बाइट फोर्स की, तो मैं बता दूं कि हाइना का मुंह इतना बड़ा नहीं होता कि शेर की गर्दन उसमें समा सके, तो हाइना का बाइट फोर्स यहाँ शेर के सामने किसी काम का नहीं है। वैसे भी शेर हाइना को काटने का मौका ही नहीं देगा, उससे पहले हाइना की मौत हो जाएगी। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि लायन और हाइना में जीत किसकी होगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, एक इकलौता हाइना एक शेर को नहीं मार सकता। एक शेर को मारने के लिए लगभग 15 हाइनास का होना जरूरी है। वैसे तो अफ्रीका में शेरों के दुश्मनों की भरमार है, लेकिन फिर भी शेर निडर होकर अपने इलाके में राज करते हैं। कभी कभी शेर जंगली भैंसे और जिराफ की चपेट में आकर भी मर जाते हैं। जिराफ और भैंसे ऐसे जानवर हैं जिनके लात मारने की ताकत बहुत ज़्यादा है। इनका शिकार करते समय बहुत से शेर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और फिर बीमार होकर मर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कोई बात पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूँगा टाइगर और हाइना के बारे में, क्या होगा अगर टाइगर और हाइना लड़े तो कौन जीतेगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।